रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपना अगला मुकाबला खेलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स से, और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस मैच में गाइस यहां पे प्लेइंग 11 में बदलाव यहां पे नजर आने वाले हैं, और गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चाहेगी कि वो जल्दी जल्दी से अपना 16 पॉइंट कंप्लीट करे और क्वालिफाई में अपना नाम यहां पे दर्ज कर ले। तो मेरे हिसाब से गाइस ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए, और वो जल्दी जल्दी अपना जो कि पॉइंट्स को कंप्लीट करना चाहेंगी। उसके बाद जो भी मैच यहाँ पे बचेगा गाइस, वो जो यंग खिलाड़ी है उनको गाइस वो यहाँ पे मौका दे सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 के बारे में, और क्या क्या बदलाव यहाँ पे कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ ही में ऑन कीजिएगा, और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि 80% लोग होते हैं जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं। अगर आप लोग उनमें से एक हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है क्रिकेटपीडिया। इस वेबसाइट में गाइस आप लोग यहाँ पे आईपीएल 2020 की लाइव स्कोर यहाँ पे देख सकते हो, और उसके अलावा गाइस आप लोग इस वेबसाइट में गाइस सभी क्रिकेटर की गाइस यहाँ पे ऑल क्रिकेटर की गाइस आप लोग स्टेट्स को आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपली गाइस आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्च बार में क्लिक करना पड़ेगा और गाइस आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोज कि जैसे कि आज का मैच है चेन्नई सुपर किंग वर्सेज राजस्थान रॉयल्स, तो गाइस मैं यहाँ पे लिखूंगा एम एस धोनी वर्सेज राजस्थान रॉयल्स। तो गाइस मैं जैसे इसको लिखूंगा तो आप सभी को एमएस धोनी के सारे स्टेट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस काफी अमेजिंग वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो जल्दी से इसको विजिट कीजिए और गाइस ऑल क्रिकेटर के गाइस सभी स्टेट को आप लोग यहां पे चेक कीजिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बदलाव के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम कौन कौन से बदलाव यहां पे कर सकते हैं, तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने जो बदलाव यहां पे किया था वो गाइस यहां पे किया था मोहम्मद सिराज को बाहर किया था, और साथ ही में शिवम दुबे को भी उन्होंने बाहर कर दिया था, और गाइस यहां पे उनके जगह पे गाइस यहां पे शहबाज अहमद को मौका मिला था। और मैं सबसे पहले बात आपको याद दिला दूं, माइक हसन का एक स्टेटमेंट आया था जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया था, जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा कि माइक हसन ने स्टेटमेंट दिया था कि इस बार उस सभी खिलाड़ी को जो कि एक एक मैच यहां पे खिलाएंगे, और उन्होंने कहा था और बिल्कुल गाइस ऐसा हो रहा है। शहबाज अहमद को उनका पहला मौका आईपीएल 2020 में मिल गया, तो गाइस यहां पे शहबाज अहमद के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है, और गाइस उनको पहला आईपीएल 2020 में मौका भी मिला और वो बहुत ही अच्छे खुश भी होंगे। हालांकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, दो ओवर में उन्होंने 18 रन लुटाए, बट ठीक है पहली बार वो खेल रहे थे, काफी अच्छे परफॉर्मेंस उनके लिए तो बड़ी बात होगी क्योंकि उन्हें आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में मौका मिला। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ वो फील्डिंग करने में वो जुटे, तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए, और उन्होंने जो कैच पकड़ा था वाह क्या कैच था, एक नंबर कैच था उन्होंने पकड़ा था शहबाज अहमद ने। आप सभी को शहबाज अहमद का कैच कैसा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 के बारे में। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे देवदत्त पाडिगल और एरन फिंच, तो गाइस ये दोनों खिलाड़ी आप सभी को ओपनिंग करते नजर आएंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की तरफ से। तो गाइस अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में, तो गाइस नंबर 3 पे नजर आने वाले विराट रन मशीन कोहली, नंबर 4 पे नजर आने वाले जीनियस खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, नंबर 5 पे नजर आने वाले गुरकिरत सिंह मान, नंबर 6 पे नजर आने वाले हैं शिवम दुबे, नंबर 7 पे नजर आने वाले वाशिंगटन सुंदर। तो गाइस आप सभी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में गाइस ये बदलाव यहाँ पे नजर आएंगे, शहबाज अहमद की जगह पे गाइस यहाँ पे शिवम दुबे की जगह फिर से यहाँ पे बनने वाली है। तो गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से एक खिलाड़ी आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, तो गाइस नंबर 8 पे नजर आने वाले क्रिस मॉरिस, नंबर 9 पे नजर आने वाले नवदीप सैनी, नंबर 10 पे नजर आने वाले इसुडू उडाना, नंबर 11 पे नजर आने वाले युजवेंद्र चहल। तो गाइस यहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 में आपको ये 11 खिलाड़ी यहां पे नजर आएंगे, जहां पे गाइस आप सभी को एक बड़ा बदलाव यहां पे नजर आने वाला है, जहां पे गाइस यहां पे शिवम दुबे की फिर से यहां पे प्लेइंग 11 में वापसी यहां पे पूरी जैसे कंफर्म यहां पे मानी जा रही है। तो गाइस आप सभी को ये प्लेइंग 11 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
और की कैसी लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और इस मैच के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्लेइंग 11 कैसी रहनी चाहिए, तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना परफेक्ट प्लेइंग 11 आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नेक्स्ट मुकाबले के लिए ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो गाइस अगर आपको ये प्लेइंग 11 ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।